सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फ्रेंड चैनल, दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बोश कंपनी का लेजर मीटर, जिसको लेजर एंची टेप भी हम कहते हैं, लेजर वाला होता है, तो इस पर हम बात करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बोश का लेजर मीटर, ये हम इसको यूज कैसे करते हैं, इसका क्या क्या पर्पस है। तो ये पहले मैं आपको इसका दिखाता हूँ, आपको जो इसका मॉडल नंबर है वो ये है, और जो हमारी जो इसकी कॉस्ट है वो है 7,500 रुपीज़ का ये, और ये मेड इन हमारा मलेशिया का है। वैसे है प्रोडक्ट जर्मनी का, पर ये मलेशिया में बिल्ड होता है। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर चुकी है, बस मैंने आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं इसमें हमें एक मिलेगा ये हमारा लेज़र मीटर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन मलेशिया लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसका ये प्रोडक्ट नंबर है, और जो कंपनी है वो जर्मनी की है, ये जर्मनी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सेल डलते हैं हमारे, कोई भी आप कंपनी के सेल डाल सकते हो इसके अंदर। हम ओपन करते हैं, इसमें प्लस माइनस का हम पहले देख लेते हैं। तो हम क्लोज कर लेते हैं। अब क्लोज करने के बाद इस वाले बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है, ये ओपन हो गया हमारा। इतना करने के बाद इसमें अलग अलग तरीके के हमारे फंक्शन है। ये सिंपल हमारी जो लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए फुट में दिखाएगा, जितनी भी डायमेंशन दिखाएगा वो सारी फुट में ही दिखाएगा, ये फुट में दिखाएगा। यहाँ पे फुट दिख रहा होगा आपको, फुट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको स्क्वायर का एरिया बता देगा। ये जो हमारा कोई भी ऐसे स्क्वायर का कोई भी एरिया निकालना होगा तो स्क्वायर का एरिया बता देगा। इसमें क्यूब का एरिया बता देगा, क्यूब का मतलब वॉल्यूम बता देगा, इसमें वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम बता देगा, इसके अंदर क्यूब फुट बता देगा। इसमें हमारा ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम बता देगा, जैसे हमें ये जैसे हम इसकी एक भी कोई भी डायमेंशन देंगे नीचे की, जैसे हमने बेस की दी और इसमें हाइपोटेन्यूज की दी, ये वाली ये हमने हाइपोटेन्यूज की दी, तो ये वाली हमें हाइट बता देगा, और हमें सिंपल वही लेंथ बताएगा, तो सिंपल वही आ गया। बस इसमें यही फंक्शन है। और प्लस माइनस में क्या होता है, जैसे सपोज करिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करा तो यहाँ तक का डिस्टेंस, उसके बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करा उसने यहाँ तक का डिस्टेंस, तो हमें एक बार में इसमें जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करा तो उसका डिस्टेंस जैसे हमने मान लिया 3 फिट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डिस्टेंस है 1.5 फिट है, तो इकट्ठा ये प्लस करके हम करेंगे तो 4.5 फिट बता देगा सीधा। तो अब मैं आइए इसको यूज करके बताता हूँ मैं आपको, और यूज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमें इसमें क्या क्या मिला हुआ है। ये हमें कंपनी से ही इसकी हमें यूज कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट को वो सारा दिया हुआ है। इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, पहले इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है, फिर ये अलग अलग लैंग्वेज है, ये चाइनीज, जापानीज, ये थाईलैंड है, थाईलैंड की भी, रशियन लैंग्वेज है, जर्मनी लैंग्वेज है, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में इसका सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हम प्रोडक्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसका छोटा सा ये बताया हुआ हमने प्लस माइनस वाला, जो मैंने भी आपको बताया वीडियो में, ये प्लस माइनस वाला वही है। जैसे हमने पहले यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करा कितना आ गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करा कितना आ गया, उसको प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा, और सेम टू सेम ऐसे माइनस में होगा। अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करा कितना आया और यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करा कितना आया उसको हमें माइनस करें तो सेम टू सेम माइनस भी हो जाएगा ऐसी। इसमें यही है, और ट्राइंगल वाला जैसे मैंने आपको बताया था, ट्राइंगल वाला ये वाला हो गया, क्यूब वाला ये वाला हो गया, स्क्वायर वाला ये वाला हो गया, नीचे स्क्वायर का बता रहे, सारा सिंपल ही है। और जो मैंने आपको सिंपल बता थे सिंपल वाइज जो लेंथ मेजर करने वाला, बाकी इसके सारे सर्विस सेंटर के हैं, सर्विस सेंटर में इसमें सबके नंबर दिए हैं, कहाँ कौन कौन सी प्लेसेस पे इनके सर्विस, सारे सर्विस सेंटर हैं। ये नॉर्थ मतलब नॉर्थ में कौन सा सर्विस सेंटर है, ईस्ट में कौन सा सर्विस सेंटर है, और वेस्ट में कौन सा सर्विस सेंटर है इंडिया के, तो इसमें ऐसे सारे सर्विस सेंटर दिए हुए हैं इन्होंने प्रोवाइड करे हुए।
तो अब यहाँ से कभी भी आपको दिक्कत हो आप यहाँ से कॉल करके से आप पूछ सकते हो। तो अब इसके साथ हमें ये इसका गारंटी कार्ड भी मिला है। मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करते हुए 2 साल हो चुके हैं और इसमें कोई शिकायत नहीं आई है। ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया, मतलब बोश कंपनी का, मैं हैंड कटर भी यूज़ करता हूँ, प्लेनर भी है मेरे पास और ड्रिल मशीन भी है। इतने मतलब बढ़िया प्रोडक्ट है इनके, ख़राब नहीं होते। एक बार ले लियो तो भूल जाओगे, कभी ख़राब ही नहीं होंगे। और इसमें आपको, इसमें मेन बेनिफिट तो ये है कि आपको कोई एंची टेप पकड़ने के लिए आपको कोई जना नहीं चाहिए। जैसे हमें कोई एंची टेप पकड़ने के लिए कोई जना चाहिए, जैसे हमें यहाँ तक मेजर करना, कोई हम जना चाहिए होता कि भाई यहाँ से ये पकड़ लें एंची टेप कि हमें यहाँ से मेजर करना है। तो इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ये काफ़ी लाइट वेट है, 50 ग्राम का है। आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हो अपनी जेब में, अपने पॉकेट में आप ईजिली हैंडल कर सकते हो। और इसमें कोई नहीं, इसमें बस यही एक्यूरेट है क्या, इसमें बस यही चीज़ है कि आपको बस एक्यूरेट रखना है, इसको हिलाना नहीं है जब आप मेज़र करोगे। तो इसे आपने इसको आपने क्लिक कर दिया, ये भी है स्क्वायर का पूछ रहा है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ फंक्शन को, इसमें सिंपल का चाहिए, सिंपल वाला है। इसको प्रेस कर दिया, इसमें सीधा बता देगा जो ये मोबाइल पे लेज़र दिख रही है आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। अब मैं इसको ओके करता हूँ, यह आ गया 1.215 फुट, इतना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का। और इसके बाद हमें इसका मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट भी मिला है। ये मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट हमारा, प्रोडक्ट क्या गया है, प्रोडक्ट क्या है हमारा, पार्ट नंबर क्या है, सीए नंबर, इंस्पेक्शन डेट, ये हमें इसके साथ ही मिला। तो मैं इसमें आपको पहला फंक्शन बताने जा रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये सिंपल डिस्टेंस के लिए, सिंपल हमें डिस्टेंस लेना है कोई भी, मतलब मैं देख रही हूँ यहाँ पे, एक बार कैमरामैन को बोल दूँ मैं यहाँ से हमें, और ये बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। जैसे भी तो मैं हैंड में लिया हुआ है, जैसे आपको कोई भी यहाँ पे चीज़ स्टेबल होनी चाहिए, ऐसे आपने स्टेबल रख लेना, इसको हिलना नहीं चाहिए जो आपका है। और बिल्कुल इसको क्लिक करना है, इसको प्रेस करना है, सामने वो आ जाएगा। उसको एक बार देखिए, दिखाइए, ये आ जाएगा। ये इतना करने के बाद आपको दिख रही होगी लेज़र, और इसमें डिस्टेंस मैं इसको ओके कर दूंगा, ये इसमें डिस्टेंस इतना आ गया है, 4.450 फिट आ गया है। अब मैं इसको आपको दूसरा फंक्शन यूज़ करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा स्क्वायर वाला हो गया। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया था कि हम इसकी सिंपल लेंथ कैसे मेज़र कर सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जैसे कोई भी स्क्वायर, कोई भी चीज़ होती है, हम कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, तो उनको कैसे मेज़र कर सकते हैं। पहले क्या करना है, हमें सीधा इसकी लेंथ बतानी है, उसके बाद ये हाइट पूछेगा। पहले मैं आपको लेंथ मेज़र करके बता रहा हूँ, मैं सिंपल अपने हैंड पर रख लिया अंदाजे से, अभी यहाँ पर इस वाली हाइट पर, ऊपर से एक बार आप इसको जूम करके दिखाइए। अब मैंने सिंपल इसको क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद ये सामने ये शो हो रहा है। और जो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल ये हिलना नहीं चाहिए, ये हिलेगा तो गड़बड़ आ जाएगा आपके उसमें साइज में, तो बिल्कुल ये स्टेबल रहना चाहिए। देन प्रेस ओके, प्रेस ओके करने के बाद ये सिंपल आपको लेंथ बता देगा, जो यहाँ तक कि पहले ब्लिंक हो रहा था ना, ये पहले इसकी लेंथ बता दी, अब ये ब्लिंक हो रहा है, हाइट पूछ रहा है। अब मैंने सिंपल यहाँ से लेके इस पर एक बार जूम करिए, अब मैं सिंपल ऐसे हाइट ले रहा हूँ इसकी, हाइट ले रहा हूँ इसकी सिंपल, ऊपर एक बार शो करिए लेज़र को, देन अगेन यहाँ पे शो करिए, देन मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेस कर लिया है, देन सिंपल प्रेस कर लिया। ये ऊपर की हाइट हमारी 5.930 फीट आ रही है, और इसका हमें पूरा स्क्वायर फुट आ गया है, जो स्क्वायर जो अंदाजे से हमने बनाया था, ये पूरा 23.033 स्क्वायर फुट आ गया है। ऐसे आप कोई भी कॉम्पोनेंट की मतलब साइज आप स्क्वायर फुट में निकाल सकते हो। अब मैं आपको अलग इसका फंक्शन दिखा रहा हूँ। अब ये क्या है, ये क्यूब फुट में है, क्यूब फुट में, जैसे हमने कोई भी मतलब कोई भी हमने जैसे वुडन का वो बना लिया, करके स्टार्ट। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सिंपल ये क्यूब हम जो इस पूरा ये ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये ब्लिंक हो रहा है कि हम इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको लाइट से शो कर देता हूँ कि हमें इसका क्यूब फुट ये क्यूब फुट निकालना है। फुट में दिखा रहे, शो कर रहा है, फुट में शो हो रही है इसकी डायमेंशन, फुट में शो रही है, हम इसको क्यूब फुट कैसे निकाल सकते हैं। पहले ये पूछेगा लेंथ, पूछ रहे हैं हमारी लेंथ, लेंथ हमने इसकी ऐसे गिवन कर दी है, ये इसका मैंने चेंज कर दिया फंक्शन, हाँ ये मैंने यहाँ पे इसकी मैं लेंथ बता रहा हूँ। अभी हाइट पूछ रहा है, अब मैंने हाइट बता दी है, एक बार यहाँ पे लेज़र मीटर पे शो करिए इसकी हाइट, यहाँ से
जब मैं हाइट पूछ रहे हैं, ब्लिंक कर रहा है, हमने हाइट पे क्लिक कर दिया है इसकी हाइट। हाइट आने के बाद अब ये इसकी वो विड्थ पूछ रहा है, मतलब कितना गहरा है, ये गहरा कितना है। अब मैं इसका यहाँ से गहरा बता रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये आपको बता देगा कि कितना इसको क्यू फुट बना है, क्यू फुट कितना बन गया, 69.870 इसका क्यू फुट आ गया है। ऐसे अब इसका अगला फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हमारा ट्राइंगल वाला है, ट्राइंगल वाले में क्या हमने सिंपल यहाँ पे एक बार इस पर जूम करिए, हमने सिंपल ये नीचे है इसकी लेंथ पूछा है, हमने लेंथ पे क्लिक कर दिया, इसकी लेंथ मेजर कर रहा है कितनी आ गई है, 4.420 फिट आ गया। अब ये इसकी स्लांट हाइट पूछ रहा है, स्लांट हाइट हमने अंदाजे से ऐसे ही कर दिया, स्लांट हाइट एक बार यहाँ पे भी दिखाइए मेरे हैंड, एक बार मेरे हैंड पे लेजर मीटर को भी दिखाइए कि मैंने थोड़े से एंगल पे एलिवेशन पे मैंने करा हुआ ये, आप एंगल देख रहे हो एलिवेशन पे करा हुआ मैंने इसको, मैंने ओके प्रेस कर दिया है। इतना करने के बाद ये हमें ये वाली हाइट बता देगा हमारी कितनी हाइट है वाली, जो हमारे अंदाजे से थी, मेरे हैंड से पहले मैंने ऐसे लिया था इसकी लेंथ, उसके मैंने स्लांट हाइट ली थी, उसका जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो ये परपेंडिकुलर हाइट हमारी आ गई है 4.975 फुट आ गई है। अब हम अगला फंक्शन इसका देख रहे हैं, वही सेम है, अब बस में यही फंक्शन थे सारे। तो दोस्तों मैंने इसके आपको सारे फंक्शन बता दिए, बस इसमें अब दो फंक्शन बचे हैं प्लस और माइनस का। हम प्लस और माइनस कैसे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, पहले मैं आपको प्लस वाला यूज़ करके बताऊंगा। सिंपल हमने यहाँ से क्लिक कर लेना है, ये हमने ये हमारी डिस्टेंस आ गया 2.545 फुट आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस मैंने दोबारा लिया है प्लस को प्रेस करके, प्लस को प्रेस कर देना है पहले, दोबारा भी इसी रेड बटन को प्रेस करना है, इसका आ गया 3.345। अब मैं इसको यहाँ से प्लस कर दूंगा, प्लस को ये प्लस साइन को प्रेस करूंगा तो दोनों प्लस होके आ जाएंगे, हमारा कितना गया 5.890 फुट आ गया। बस इसका यही बेनिफिट है, ऐसे हम माइनस वाला कर लेंगे, माइनस वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसे हमने जैसे हमने पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3.260 आ गया, अब मैंने माइनस साइन को प्रेस कर दिया है, अब मैं आगे से थोड़ा डिस्टेंस को ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस आ गया हमारा 1.740। अब मैंने दोबारा माइनस साइन को प्रेस कर देना है, ये माइनस करके दिखा देगा जो पहले हमारा वाला डिस्टेंस है कितना गया 1.520। फंक्शन तो इसमें बहुत सारे, अगर मैं आपको सारे फंक्शन बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, आई थिंक ये वाली वीडियो भी काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही है। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने का उनका बटन आपने जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपको कैसे लगी।